लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। खिलाफ प्रकल्प गस्सों के युवा प्रकल्प गस्सों का नेतृत्व करने वाले रुपेश धुमाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आप आगरी कोली और कराड़ी जो सामाजिक संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं। रुपेश जी, आज का जो रिस्पांस है किस तरह से रहा और इससे कितनी उम्मीद आपको लगती है कि निश्चित तौर पर सरकार अब जागने वाली है? अभी आपने हालांकि पब्लिक का जो आक्रोश था वो शांति से तो देखा ही है, लेकिन पुलिसों ने सहकार्य किया, लेकिन जगह जगह पे रूट चेंज था इसलिए लोगों को आने को नहीं मिला, नहीं तो इससे और कम से कम 10,000 पब्लिक तो बढ़ती थी। और पुलिसों ने जाके गांव गांव में सरपंच सदस्य को बताया कि आप गए तो केसेस होगी, इसके वजह से लोग कम आए। फिर भी लोगों का आंकड़ा देखा जाए तो लाख के इसमें था और लोगों का इतना उत्स्फूर्त प्रतिसाद है कि आने वाली घड़ी में अगर 15 अगस्त तक दीपा पाटिल साहब का नाम का ठहराव प्रस्ताव अगर इन्होंने पारित नहीं किया सिडको ने, तो हम लोग सिडको के सब जगह की काम है वो सब बंद कर देंगे। किस तरह से रिस्पांस रहा जब आज निवेदन दिया गया, 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया गया है, उससे कितने सीरियस नजर आया आपको सिडको? सिडको के अधिकारी को जब भी निवेदन देने गए तभी तो दीपा पाटिल साहब के फ्रेम को एकदम सजा के उन्होंने रखा था, इससे ही समझ में आता है कि उनकी खुर्चियाँ हिल गई है। तो निश्चित तौर पे दीपा पाटिल साहब का नाम का उन्हें ठहराव लेना ही पड़ेगा। जैसा कि है कि ये जो आज आवाज़ बुलंद हुई है प्रकल्प ग्रस्तों की, ये माना जा रहा है कि ये आवाज़ सिर्फ राज्य सरकार तक नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक पहुँची है और इसका असर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और नवीनबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने की कोशिश करेगी। ज़रूर केंद्र सरकार को तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, लेकिन उससे पहले के स्टेप है जो राज्य सरकार की, उनकी स्टेप तो अभी उनको करना ही है। मतलब जो मुख्यमंत्री साहब अभी जो पिता प्रेम में गुरफटे हुए हैं वो बाहर निकल के उनको कुछ भी करके ये ठहराव मंजूर करना पड़ेगा। आपको भरोसा है कि निश्चित तौर पर ऐसा होगा? हाँ भरोसा है। आपको सर भरोसा अभी है कि निश्चित तौर पर सरकार अभी इसको फैसला बदलना पड़ेगा, प्रस्ताव को बदलना पड़ेगा? भरोसे पे तो दुनिया चलती है और हम लोग जब तक ये होगा नहीं तब तक पीछे हटेंगे नहीं। लास्ट तक हमने तो लास्ट में कसम कही है कि दीपा पाटिल साहब का नाम जब तक मिलता नहीं तब तक ये आंदोलन सत्र चलते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि जब तक दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं मिलेगा एयरपोर्ट पर तब तक प्रकल्प ग्रस्तों का यह आंदोलन चलता रहेगा, जैसा कि युवा प्रकल्प ग्रस्त नेता रुपेश धुमाल जी ने कहा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी बारे में गंभीरता से सोचेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।